हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बन और मैं लेके आया हूं हर डे की तरह काली माँ के मॉर्निंग मैसेज। इस मैसेज में हम देखेंगे कि माँ आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आप कैसे अपना दिन को प्लान कर सकते हो एंड कैसे आपको सुकून मिलेगा। सो ओवरऑल ये एक डेली गाइडेंस आप मान सकते हो एंड एट द सेम टाइम माँ काली का एक साइन मान सकते हो। अगर आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो ये रीडिंग को फॉलो कर सकते हो क्योंकि माँ माँ होती है एंड एट द सेम टाइम ये टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। सो लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापो हरिणी धर्मार्थमुखते देवी नारायण नमस्ते माँ। फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल बीइंग्स प्लीज टेल अस व्हाट यू वांट टू से। फॉर द स्पिरिचुअल बेनिफिट ऑफ ऑल बीइंग प्लीज 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 हेल्प अस। जय माँ काली। मेरे व्यूअर्स के पास के लिए माँ बता दीजिए। ओके, सो पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है थ्रोमा नगमों का। सो कहीं ना कहीं माँ एक चीज़ डिटेक्ट कर रहे हैं कि यू नो जो आप कर सकते हो वो आप नहीं कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं आपके तरफ से कुछ हद तक लैकिंग है, अभी भी बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है। एट द सेम टाइम माँ आपको कुछ बात भी बोल रहे हैं कि जैसे कि यू नो कुछ चीज़ आप कुछ चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हो और इसके कारण आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पा रहे हो या फिर मेटेरियलिस्टिकली बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो। कहीं ना कहीं इस अटैचमेंट को हटाना होगा। सो थ्रोमा नगमो माँ आपको एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप बाहर के चीज़ों को अचीव करने के लिए सोचोगे, टारगेट को फुलफ़िल करने के लिए सोचोगे, अपनी फैमिली को सेटिस्फाई करने के लिए सोचोगे, उतना ज़्यादा डिसटिस्फेक्शन क्रिएट होगा। सो आज ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिसटिस्फाइड फील कर सकते हो। मॉर्निंग में कोई बहुत बड़ा गुस्सा आप शो कर सकते हो या फिर कोई और फैमिली मेम्बर कोई बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट कर सकता है। सो पहले ही मैं आपको एक चेतावनी दे रहे हैं कि प्लीज़ Do not start this day with any negative words. खास करके जो बात आप बोल रहे हो दूसरों को या फिर खुद के बारे में, I think control that. Next यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं कि divine injustice. हो सकता है कि आपके ऊपर कोई injustice हो रहा है या फिर हो सकता है कि आप जितना मेहनत करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ नहीं मिलता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये ही रियलिटी है। ओके, आप मेहनत करते जाओ सेल्फलेसली, सही टाइम आने पे आपको यू नो यूनिवर्स माँ काली रिटर्न करेंगे। बट यू नो अभी जो ये कार्ड आया है थ्रोमा नगमो, यहाँ पे शायद आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप एक्सप्लॉयटेड हो रहे हो। यू नो फैमिली या फिर आपके जो भी फ्रेंड्स है या फिर जो रिलेशनशिप है ये सब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ज़रा सा भी भूल चूक अगर आपसे हो जाते तो लोग कंप्लेन करते हैं या फिर यू नो मैं ये भी देख सकता हूँ कि सुबह उठ के आपको कोई कंप्लेन करने वाले। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब आप ये दिन को स्टार्ट कर रहे हो और ये वीडियो को देख रहे हो, कूल योर टेम्परमेंट, क्योंकि ऐसा हो सकता है कोई मेजर आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, किसी से अननेसेसरी आप भिड़ सकते हो और ऐसा भी हो सकता है कि कोई और आरोप लगा सकता है जो चीज़ के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। सो कहीं ना कहीं थ्रोमा नगमो माँ आपको पहले से ही बोल रहे कि डिटैचमेंट प्रैक्टिस कीजिए, काम रहिए, कूल रहिए, किसी के साथ भिड़िए मत, बट अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आपका आएगा। सो यू आर स्टार्टिंग दिस डे विथ एंगर। यस, सो अगर आपको ऐसा लगता है कि सुबह उठ के मूड ठीक नहीं है, डेफिनेटली आप मेडिटेट कर सकते हो, बात कम कीजिए एंड एट द सेम टाइम कोई भी पर्सन को बात को बेवजह रिप्लाई मत कीजिए, लाइक कंज्यूम करना होगा आपको। आज माँ एक ही बात बोल रहे हैं कि प्लीज़ कंज्यूम। ओके, जो भी सामने वाले पर्सन आपको बोल रहे हैं कंज्यूम, डू नॉट रिएक्ट। थर्ड, बहुत ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि ये गलत हो रहा है और ये सही नहीं हो रहा है या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ आपके साथ गलत हो रहा है, ये वक्त नहीं है वो सब चीज़ को लेके कन्फ्रंट करने का। वक्त है कि पैसिफाई करिए चीज़ों को। कुछ एक ऐसे दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं जो आपके सक्सेस को हजम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आई थिंक ये अननेसेसरीली
कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं, रिलेशनशिप में भी आप देखोगे कि अननेसेसरीली कुछ कन्फ्लिक्ट्स बन रहे हैं, और ये कन्फ्लिक्ट्स आपके अंदर से भी क्रिएट हो सकता है. लाइक आपको कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं लगेगा, या फिर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, आपको अचानक इरिटेशन महसूस होगा. अगर ऐसा है सो आपके अंदर में कुछ चल रहा है, और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ही हो रहा है. जब ऐसा फील होगा सो कम्प्लीटली सरेंडर कीजिए और माँ को बोलिए कि माँ प्लीज़ ये जो इरिटेटेड फॉर्म है या फिर डिस्टॉर्टेड फॉर्म है आपके, उसको हील कर दीजिए. सो सुबह उठ के आप लोग हीलिंग के लिए मदद आप लोगों को मांगना है. आप जब डे को स्टार्ट करो दिमाग को शांत रख के जाइए, क्योंकि ऐसा मेरे को लगता है कहीं पे आप पैसा ज़्यादा स्पेंड कर सकते हो, ओवर पे आप कर सकते हो, या फिर जो चीज़ ज़रूरत नहीं है वो चीज़ को ख़रीद सकते हो, जो चीज़ बोलना शायद आपको नहीं चाहिए था वो चीज़ बोल सकते हो, एंड एट द सेम टाइम दो लोग के बीच में आप आ सकते हो अननेसेसरीली. सो अवॉइड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, प्रैक्टिस डिटैचमेंट, सुबह से ही प्रैक्टिस कीजिए. यस, कोई पर्सन आपके ऊपर गुस्सा शो कर सकता है, खास करके आपके बॉस या फिर ऑफिस में. अपना टेम्परमेंट को मेंटेन करके रखिए एंड माँ से मदद मांगिए जब भी आपको ऐसा लगे कि ओके समवन इज़ बिहेविंग ऑड और समवन इज़ जस्ट नॉट बिहेविंग वेल. उस टाइम से आप प्रे कीजिए, माँ हील कर देंगे, कोई बात नहीं. चिंता करने का कोई बात. यस, काली यात्रा. नाउ दिस इज़ अ गेम चेंजर टोटली. माँ आपको यही बोल रहे कि आज पूरे दिन माँ आपके साथ रहेंगे, बट एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है. ओके, पुराने पैटर्न को आप छोड़ रहे हो, नए पैटर्न को आप एक्सेप्ट कर रहे हो. सो कहीं ना कहीं कुछ डिले हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं आप अचानक एक 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 नतीजे पे पहुंच सकते हो. वेल, जो भी डिसीजंस आप लोगे वो एक मैं देख सकता हूँ माँ आपको बोल रहे कि एक कैओटिक सिचुएशन से एकदम सॉर्टेड सिचुएशंस में बदल रहे हो. सो ऐसा हो सकता है कि आज के दिन का जो फर्स्ट हाफ होगा या फिर आने वाले टाइम का जो फर्स्ट हाफ होगा, इनिशियली आपको बहुत बुरा लगेगा, इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा खराब लगेगा, एंड उसके बाद आपको सोल्यूशंस मिलेगा. सो यू आर एनकाउंटरिंग प्रॉब्लम्स एंड देन यू आर ओवरकमिंग दैट चैलेंजेस. सो आज माँ आपको बोल रही है कि आप चैलेंजेस को ओवरकम कर रहे हो, कोई भी चीज़ का सोल्यूशन निकाल रहे हो, किसी को सलाह दे रहे हो, एंड एट द सेम टाइम ये जो काली यात्रा है ये हो सकता है कि आप खुद को सलाह दे रहे हो, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो. स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कुंडलिनी अवेकनिंग, रूट चक्र ओपनिंग, क्राउन चक्र ओपनिंग, ऐसा हो सकता है. एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है कि कोई आपके ऊपर ईवल आई दिए है, या फिर जिसके कारण शायद कल आपका कुछ हुआ शाम के टाइम पे, या फिर रात के टाइम पे, या फिर यू नो सुबह उठ के आपको बहुत बुरा लग रहा था, सो वो फीलिंग यू नो माँ एकदम रिमूव कर देंगे. सो यहाँ पे बात आते हैं कि जब भी आपको आज अनईजी फील होगा, जब भी द मोमेंट यू फील अनईजी, स्टार्ट कॉलिंग हर. उस टाइम पे ही आप कॉल करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि माँ आज आपको बोल रहे कि आज आपको बार बार माँ से मदद मांगनी है. जब लाइक जब भी आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करने के लिए जा रहे हो तब भी आप मदद मांगना मत भूलिए. कहीं ना कहीं आज के दिन आपके लिए एक मेमोरेबल डे होने वाला है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा होपलेस हो जा रहे थे, जहाँ पे उम्मीद का कोई चांस ही नहीं था, वहाँ से आप कोई चीज़ को छीन के लेके आ रहे हो. सो ऐसा हो सकता है कि बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को आप एकदम पॉजिटिव सिचुएशंस में तब्दील कर दे रहे हो. खास करके मैं देख सकता हूँ डिवाइन इंटरवेंशंस. सो कुछ चीज़ को रोकने के लिए बहुत कोशिश किए थे, बट फाइनली वो चीज़ निकल भी जाएंगे आपके हाथ से, बट उसके बदले में आपको कोई नया चीज़ मिलेगा. सो एट द सेम टाइम ये हो सकता है कि आप डिसाइड कर रहे हो कि किसी को कट ऑफ करनी है और किसी पर्सन को ऐड, एट द सेम टाइम कोई ऑप्शंस को कम्प्लीटली कट ऑफ करनी है और कोई ऑप्शंस को आप चूज़ कर रहे हो. हालांकि जो भी ऑप्शंस को आप चूज़ कर रहे हो ये बहुत अच्छा ऑप्शंस आप चूज़ कर रहे हो, बहुत अच्छा डिसीजंस ले रहे हो. पहले आप बहुत कन्फ्यूज थे, अभी आप एक बहुत अच्छा नतीजे पे पहुंच रहे हो. किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ एक ब्राइट न्यूज़ आ रहे रिगार्डिंग फर्टिलिटी, यानी कि प्रेगनेंसी रिलेटेड न्यूज़, या फिर ऐसा हो सकता है कि मेंस्ट्रुएशनल साइकिल के पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो वहाँ से आपको एक रिलीफ मिलेंगे. खास करके आपकी मम्मी का तबीयत, बहन की तबीयत
एंड अगर मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन था तो वहाँ पे आपको एक रिकवरी मिल रहा है, एक ब्राइटनेस महसूस होगा मिड डे पे. सो अर्ली मॉर्निंग में शायद बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आप फील कर सकते हो, बट मिड डे में या फिर दोपहर के टाइम पे आपको सल्यूशन मिल जाएगा, लिटरली सल्यूशंस मिल जाएगा. या फिर ये एक टाइमलेस है तो लाइक लगभग 12 आवर्स के बाद, लाइक जब आप 12 आवर्स ख़त्म करोगे उसके बाद आपको एक प्रॉपर सल्यूशंस मिल जाएगा विद इन 12 आवर्स ये रीडिंग देखने के बाद. वाह सोरी सीमा, ये एक इंडिविजुअल अप्रोच का बात है. सो मैं ऐसा देख सकता हूँ कि अगर कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा डरा रहे थे या फिर कोई चीज़ को लेके अगर आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे, सो यू आर फाइनली लेटिंग गो ऑफ दैट थिंग. आज मैं आपको एक सलाह दे रहा है कि जितना हो सके अपने नीड के बारे में सोचिए. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको आपके जो आइडियाज़ है वो पसंद आएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब जो चीज़ को पसंद कर रहे उसको आप पसंद करोगे. सो कहीं ना कहीं माँ आपको कुछ क्लूज दे रहे हैं, कुछ साइन दे रहे हैं, आपके मन से भी वो चीज़ आप फील कर रहे हो. आई थिंक वो इंडिविजुअल अप्रोच के साथ आपको चलना है. मैं देख सकता हूँ कि आप एक रूल सेट कर रहे हो, मैं देख सकता हूँ कि आप डिफरेंटली आगे बढ़ रहे हो, मैं देख सकता हूँ कि फैमिली पैटर्न को चेंज कर रहे हो, मैं ये भी देख सकता हूँ कि कोई भी चीज़ को आप एकदम स्पेड स्पेड बात करके एकदम चीज़ों को सॉल्व कर रहे हो. ये भी हो सकता है कि कोई आइडिया भी नहीं कर सकते है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ है, बट आप साबित करोगे, खुद को साबित कर रहे हो, मीटिंग में प्रेजेंटेशंस दे रहे हो, ऑनलाइन में किसी से मिल रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंट आप लग रहे हो. सो ओवरऑल आपका मोमेंटम जो रहेगा वो अच्छा रहेगा. जितना हो सके आप एक एज अ सिंगल पर्सन की तरह सोचिए, बार बार किसी पर्सन से मदद मत मांगिए. अगर कोई पर्सन आपको रिजेक्ट किया है इसका मतलब वो ऑलरेडी आपको छोड़ के चला गया है, बार बार उसके पीछे मत भागिए. एंड अगर आपको कहीं पे भी लगे आज कि कोई आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया है या फिर आपके वैल्यू वो कोई कोई आपको वैल्यू नहीं दिया है, अरे वो एक इनजस्टिस हुआ है और माँ उसको देख लेंगे. माँ आपको ये भी बोल रहे कि शायद आपको अंदर से एक रिजेक्शन या फिर अबंडनमेंट के एक डर है या फिर चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा है. ओके, बचपन पे जो हुआ वो शायद गलत हुआ, या फिर माँ आज आपको बोल रहे कि आपके साथ जो हुआ पास में वो गलत हुआ है और अभी जो होगा वो आप खुद के एफर्ट से अपने रिजल्ट्स को चेंज करोगे. सो अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हो या फिर अगर आप कोई चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, रिलेशनशिप हो, जॉब हो, कोई भी चीज़, वो मैनिफेस्टेशन को सक्सेसफुल हो जाएगा. एंड कोई भी विजन बोर्ड आपके अगर सामने है या फिर ऑल्टर अगर आपके सामने है, सो माँ आपको यही बोल रहे हैं कि माँ आपके ऑल्टर के थ्रू, आपके विजन बोर्ड के थ्रू आपके साथ हमेशा बात कर रहे हैं. एक टैबलेट की तरह माँ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे कि समझो कि माँ एक टैबलेट है और जो आप ऑलरेडी खा चुके हो. सो आई थिंक माँ अंदर से आपको मैसेजेस दे रहे हैं, आप माँ के एक डायरेक्ट मीडियम बन रहे हो, आप फ्रीली सोच रहे हो, जो चीज़ आपको अच्छा लग रहा है वो चीज़ कर रहे हो, जो चीज़ बुरा लग रहा है उस चीज़ को कट ऑफ कर रहे हो. आई थिंक वो बर्डन्स आपको नहीं फील होगा. आज माँ देख रहे हैं कि बहुत फ्रीडम के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, अपने जज्बात के साथ आप आगे बढ़ रहे हो. एंड शायद हो सकता है कि कोई आपको रोक लगाने की कोशिश कर रहे थे, कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे आपको. आई थिंक वो कंट्रोल फ्रीक पर्सन से आप बाहर आ रहे हो एंड सच बोलोगे, सच्चाई के पथ को आप चूज़ कर रहे हो. आप आर्ग्यूमेंट भी करोगे, वो भी इलॉजिकली नहीं, आप एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट करने वाली हो. एंड एट द सेम टाइम सोडाशी माँ मतलब यू आर लुकिंग गॉर्जियस. सो अगर आप स्किन के ट्रीटमेंट कर रहे हो या फिर स्किन रिलेटेड समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, हेयर रिलेटेड समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, उनसे छुटकारा मिल रहा है, कोई डॉक्टर का सलाह मिलेगा या फिर आपको पर्सनली जो हीलिंग जर्नी में आप हो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिल रहा है. सो व्हेन इट कम्स टू ब्यूटी, व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिविटी, यू आर गोना क्रिएट अ सिग्निफिकेंट चेंज. एक सिग्निफिकेंट चेंज को आप लेके आ रहे हो अपने इंडिविजुअल अप्रोच के साथ साथ. आप एक लविंग एंड केयरिंग नर्चरिंग नेचर को भी आगे लेके जा रहे हो. सो एक ओवरऑल होलसम एक्सपीरियंस
करने वाले हो आप, बट इसके साथ साथ वो जो डर लेके आप चल रहे थे शायद पिछले दिन या फिर कुछ मंथ से, कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ये जॉब चला जाएगा तो क्या होगा, अगर ये पर्सन चला जाएगा तो क्या होगा, अगर ये नहीं रहेगा तो आप कैसे सर्वाइव करोगे, आई थिंक अभी आपको पता चल रहा है कि आप सर्वाइव कर पाओगे क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो क्रेडिबिलिटी है. सो यू आर प्रोबेबली, आप ये जो दिन स्टार्ट कर रहे हो वो बहुत ही ख़राब मूड के साथ, बट धीरे धीरे आप उस मूड को चेंज कर रहे हो एंड धीरे धीरे आप खुद को हील कर रहे हो. एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, लोगों को सलाह भी दे रहे हो एंड खुद भी वो सलाह को सुन रहे हो. सो यू आर इम्प्लीमेंटिंग समथिंग इन योर लाइफ. मैं देख सकता हूँ कि कुछ यूनिक चीज़ आप करने वाले हो आज, यूनिक तरीके से प्रेजेंट करने वाले हो खुद को, कोई न्यू हेयर कट या फिर कोई यूनिक चीज़ खरीद रहे हो या फिर कोई डिश बना रहे हो, घर वालों को इम्प्रेस कर रहे हो आप या फिर किसी को इम्प्रेस कर रहे हो आप. यहाँ पे अगर कोई सोशल मीडिया पे आप बहुत लोगों के साथ बात कर रहे हो, सो कोई पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपको लेके और वो शायद आपके बारे में ये चीज़ बोलेंगे. आई थिंक आपके जो क्रश वगैरह है या फिर मान लीजिए कि आप किसी को अगर प्यार का बात नहीं बोले हो बट आप मन से उसको पसंद करते हो, आई थिंक वहाँ पे एक सिग्निफिकेंट चेंज आपको महसूस होगा क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं या फिर कोई न्यू रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ रहा है या फिर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे आप देखोगे कि आपके पर्सन शायद आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, कोई कॉल नहीं किया था, मैसेज नहीं किया था, तो कोई पर्सन कंसिस्टेंटली आफ्टर रिजेक्टिंग यू वो आप ही के साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए आ रहे हैं. सो आज आपको कोई एक पुराने पर्सन जैसे कि जो आपको बहुत बुरी तरीके से छोड़ के गए थे वो वापस आ सकता है और यू नो वो क्षमा मांग सकते हैं, या फिर अगर आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बहुत डल चल रहा था या फिर कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा था तो वहाँ पे आपको एक प्रॉपर सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलेगा और ख़ास करके आपके पार्टनर एफर्ट्स देंगे, वो आपको कम्प्लीमेंट भी करेंगे एंड एट द सेम टाइम जो चीज़ करने के लिए आप सोच रहे हो उस पर आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा फैमिली की तरफ से. सो अगर आप बहुत ज़्यादा लोनली महसूस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, तो यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ कि भले आपके प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्यों ना आए बट उनसे आप बहुत आगे हो, आपके जो भी कंपटीटर्स है उनसे आप बहुत आगे हो. शायद ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है आपके रेडिकल ऑनेस्टी और इसीलिए ये लोग डर रहे हैं, ये लोग बहुत कोशिश किए थे आपको नाकामयाब बनाने के लिए बट वो नहीं चला क्योंकि माँ आपके साथ है. तो माँ आपको यही बोल रही है कि माँ आपके साथ है, आप आगे बढ़िए, जिस तरीके से आप सोच रहे हो उस तरीके से आगे बढ़िए, अपना डायरेक्शन चेंज मत कीजिए, गिव अप मत कीजिए, जस्ट आगे बढ़ते रहिए. दिस इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल डे, बट ये डे में जिस तरीके से आप चैलेंजेस को फेस करोगे उस चीज़ को नोट करके रखिएगा क्योंकि आप एक बेहतरीन पर्सन में बदल जा रहे हो, आप अपने सही सोल पर्पस को चुन रहे हो, सही निर्णय ले रहे हो एंड एट द सेम टाइम जो डर, जो नेगेटिव एलिमेंट्स, जो नेगेटिव एनर्जी आपके साथ था उसको कट ऑफ करके आप आगे बढ़ रहे हो. सो दिस इज गोइंग टू बी एन ओवरऑल एक ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल डे, एक बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रहे हैं. उस ट्रांसफॉर्मेशन, उस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए एंड जो भी वो ओल्ड हैबिट्स है उसको नो बदलिए एंड आगे बढ़ते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय माँ काली. कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ षोडशी, बाय बाय.